नमस्कार तो आज हमारे पास खुशबुओं के बहुत सारे वेरिएंट हैं जिन्हें आप कह सकते हैं परफ्यूम और कहते भी हैं परफ़्यूम और आज हम हमारे कलेक्शन से ये कुछ स्पेशल फ्रेग्रेंसेस हैं वो आपके सामने लेकर आए हैं अभी ये एक स्टॉक है इसके बाद दूसरे वीडियो में दूसरे परफ्यूम्स की चर्चा होगी सबसे पहले बात करते हैं आज हमारे पास ये है जो गर्मियों के दिन के लिए है ये इतर है ये ख़स जिसे कहा जाता है ये काफ़ी कूल फ्रेगरेंस है और इसको यूज़ करने से पूरे रूम में ठंडक बनी रहेगी अगर आप रूम में इसको लेकर के आ, स्प्रे करते हैं तो उसके बाद सेकंड ये हमारे पास है वाई एस एल का वाई जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव फ्रेगरेंस है ये है बॉस और ये है वाई का डिफरेंट वन ये है होम परफ्यूम ये है एक्वाडिजियो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेगरेंस काफ़ी अट्रैक्टिव है और सबसे पहले आपको बता दें परफ्यूम दो तरह के होते हैं जो कि ज़्यादातर लोग परचेस करते हैं एक होता है EDP और एक होता है EDT, तो EDT और दे टॉयलेट जो होता है वो स्टे थोड़ा कम करता है मतलब उसकी फ्रेगरेंस औसतन दो से चार घंटे तक रहती है कुछ एक परफ्यूम कम फ्रिक्वेंसी के हों तो वो तीस मिनट चालीस मिनट और ये डिपेंड करता है आपके बॉडी के उस पर बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी मतलब शरीर का आपका तासीर कैसा है उसके ऊपर ये परफ्यूम्स डिपेंड करते हैं उसके बाद ये है वर्साचे का इरोज़ ये भी ईडीपी है ये ईडीटी परफ्यूम है ये ये भी काफ़ी आकर्षक या अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस जैसे कहें ये वर्साचे का लोगों को उसके बाद में ये है वन मिलियन जो कि आप जानते ही हैं सबसे एक ज़माने में सबसे अच्छा एक्सपेंसिव परफ्यूम इसको कहा जाता है और सबाज़ इसके दो नोट्स आते हैं ये अभी हमारे पास है वर्गमोट एंड लेवेंडर इसका एक और वर्ज़न आता है जो कि सैंडलवुड नोट होता है वो 60 एम कॉस्ट आती है तकरीबन 8,500 और 100 एम तकरीबन 13,000 रुपए का ये आता है ये बहुत ही इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव फ्रेगरेंस है जिसको रूहानी फ्रेगरेंस भी कह सकते हैं तो मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम यह है कार्टियर का एल इनोवेल काफ़ी स्मूदी फ्रेगरेंस है और ये नाइट फ्रेगरेंस के लिए काफ़ी अच्छा है ये इस तरह से इसका काफ़ी अट्रैक्टिव ये इसका कैप है उसके बाद अब बात करते हैं ये है मोस्ट वांटेड मतलब ये है वांटेड ये काफ़ी हार्ड फ्रेगरेंस है इसकी एक बार लगाएंगे तो पूरे दिन भर इसकी स्मेल जाएगी नहीं ये हजारों की तरफ से है वांटेड 100 एम बोतल का प्राइस तकरीबन 7200 या 6200 के समथिंग इसका प्राइस है डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट का के बाद है ये एक्वाडिजियो अरमानी का एक्वाडीजियो ये एप्सलो परफ्यूम है ये भी इस्मूदिंग है मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम दोनों के लिए ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है और ये सदाबहार है अरमानी की तरफ से अरमानी के जितने भी परफ्यूम हैं काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है ईडीपी परफ्यूम्स जो हैं और काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है अब बात करते हैं यह है नेक्स्ट परफ्यूम यह हमारे पास है गुची प्योर होम इसकी भी कास्ट तकरीबन 6500 से है स्टार्टिंग और यह भी काफ़ी एम्प्रेसिव इसकी फ्रेगरेंस है लेकिन ये लाइट फ्रेगरेंस है ईडीपी ये ईडीटी है सॉरी ये ईडीटी परफ्यूम है लाइट फ्रेगरेंस होगी इसकी वाई एस एल ये काफ़ी स्मूदी एंड इम्प्रेसिव फ्रेगरेंस है इसकी ये है लान्यूट डी एल होम काफी अट्रैक्टिव ये फ्रेगरेंस है इसको अब हमारे पास कुछ मिनेचर्स भी हैं यह है क्रीड एवेंटस इसकी जो ओरिजिनल बॉटल है 100 एम की वो आती है 27,500। मतलब एम होता है इसका उनतीस हज़ार रुपये और कुछ डिस्काउंट या ऑफ़र के तहत आपको 26 सिक्स टू ट्वेंटी के आसपास इसकी 100 एम की बॉटल मिल सकती है ये है क्रीड एवेंटस